वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जो था हमारा चैप्टर नंबर टेंथ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका नाम है चैप्टर इलेवेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक चलिए इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है से फर्स्ट है हमारा वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट थर्ड है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ठीक चलिए बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्या होता है इसको समझते हैं चलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है इकोनॉमिक का सपोर्ट सिस्टम और सोशल डेवलपमेंट जो भी होता है कंट्री का उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इमेजिन लाइफ इन द एबसेंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अब आप इमेजिन करिए कि आपकी जो लाइफ है वो बिना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के हो या इमेजिन करिए कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके लाइफ में ना हो या अवेलेबल ना हो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स ना हो ठीक है कोई भी बिना इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल एंड डीजल के अपनी लाइफ को इमेजिन करिए एबसेंस ऑफ दीज वुड ओनली ड्राइव अस टू द द्रीमिटिव एज व्हेन प्रोडक्शन वाज़ जस्ट फॉर सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन एक्टिविटी डिड नॉट यूल्ड सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आप समझते हैं ठीक तो सिंपल है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रॉडली कैटेगराइज एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग अब ये जो दो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं कि क्या होता है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब ये क्या होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोमी ठीक तो ऐसे एलिमेंट्स ठीक है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक हाइक देते हैं या उसमें हेल्प करते हैं ऐसे एक्टिव सॉरी एलिमेंट्स एक्टिविटी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं अब इसमें क्या क्या हो गया जैसे हमारा पावर सप्लाई हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया कम्युनिकेशन हो गया ये सब हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ठीक अब अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वुड द पेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर जितनी हमको पा, आ, पावर सप्लाई चाहिए ठीक है उतनी हमें प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी तो क्या होगा हमारा जो प्रोडक्शन है एक्टिविटी उसको एक्सेलरेशन मिलेगा या उसमें पेस होगी अपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स तो अब इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अगर इजिली अवेलेबल होगा तो क्या होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज़िली कर सकते हैं हम लोग ठीक अपेंडेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन वुड फैसिलिटेट एक्सचेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड बिना भी किसी भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एफिशिएंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम डेवलप कर सके ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है, है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्विंग एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अब सोशल डेवलपमेंट uh, के लिए किसी भी कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इसमें क्या क्या आता है जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स एटसेट्रा ठीक सोशल डेवलपमेंट रिफर टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब जो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ही हम लोग सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं ठीक है इट अकर्स वेन देयर इज हेल्दी एंड एफिशियंट वर्कफोर्स इन द कंट्री वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अब जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सेलरेट करता है ग्रोथ की प्रोसेस को उसी तरीके से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या एक्सिलेट करता है जो प्रोसेस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का उसको इन डीड इकोनॉमिक्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है फिर भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना कंप्लीट नहीं है ठीक है अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ई अदर इसीलिए कह सकते हैं हम लोग जो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं ठीक है One, reinforce the other. एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ठीक है जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था तो आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब कुछ हम लोग observations देखेंगे जो हमें यह बताएंगे कि क्यों हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक जैसे नंबर वन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है अब कैसे करता है

अगर ऐसा होता है तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटली किस पर डिपेंड हो जाएगा बारिश पर डिपेंड हो जाएगा फार्मर्स वुड सो सीड ओनली इफ इट रेन्स जो फार्मर्स हैं केवल तभी वो बीज बो सकते हैं जब वहाँ पानी बरसेगा इफ़ द रेनफॉल इज डेफिशियन सोइंग वुड ऑल्सो बी डेफिशियट अब अगर रेनफॉल कम होती है इस वजह से क्या होगा जो फसल होगी वो भी कम हो ही जाएगी इट मीन दैट इन द ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरीगेशन एक्चुअल आउटपुट इन एग्रीकल्चर वुड रिमेन लोअर देन द अटेनेबल आउटपुट ठीक है अब अगर ये जो परमानेंट मीन्स है इरीगेशन के अगर आ, इनकी एबसेंस में देखा जाए तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा हमारे एग्रीकल्चर का वो किससे कम होगा जो पोटेंशियल आउटपुट है उससे कम होगा मतलब हम जितना आउटपुट मैक्सिमम ले सकते हैं उससे कम होगा ठीक आगे बढ़ते हैं हमारा प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर अब ये क्या है थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सच सोर्स ऑफ एनर्जी एज कोल पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में सोचिए बिना पेट्रोलियम कोयले और जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके बिना सोचिए तो क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो केवल विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे डिपेंड रह सकता है ठीक है कह सकते हैं हम इनके अलावा इस पे डिपेंड रह सकता है हा एवर दीज आर स्टिल अंडर डेवलप सोर्स ऑफ एनर्जी फिर भी ये जो दो सोर्स है हमारा सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ये अभी भी जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो अंडर डेवलप्ड है एम्प्लाइंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और इसकी वजह से क्या है जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा प्रो, प्रोडक्टिविटी इन टॉर्टेरी सेक्टर अब ये क्या है इसको समझे कम्स टू द टोटरी सेक्टर लेटस कंसिडर टूरिज्म एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन टूरिज्म बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द एबसेंस ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो अब अगर हम लोग कंसिडर करें टूरिज्म को तो क्या जो टूरिज्म है वो बिना किसी भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के हो सकता है या ये जो एक्टिविटी है इसके बिना हो सकती है सर्टनली नॉट इन द एबसेंस ऑफ रैपिड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टूरिज्म वुड पर एज अ हॉबी ऑफ द एक्सप्लोर लाइक कोलम्बस एंड वास्को डी अब अगर कम्युनिकेशन uh, और ट्रांसपोर्टेशन uh, ही नहीं होगा तो केवल जो एक्सप्लोर होते हैं उनके ही हॉबी uh, की तरीके ये रह जाएगा केवल ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द इज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली वेन वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी पॉसिबल है जब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास है सेकेंड आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्सिज इन्वेस्टमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अब ये क्या है अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज वुड डेफिनेटली इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अब जो हम अगर एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं तो अगर हाईवेज हमारे अच्छे बने होंगे तो क्या होगा जो इन्वेस्टमेंट है हमारे तीनों सेक्टर्स में वो भी Uh, बढ़ेगा बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एफिशियंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री अब हाईवेज की मदद से क्या हो सकता है कि जो हमारा गुड्स या सर्विसेज है वो एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे ऑल ओवर कंट्री में इजीली और एफिशिएंटली मूव ऑन कर सकता है इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इसलिए हम कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए बैकबोन है ठीक है हम ये क्या है सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थर्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन अब डेवलप ऑफ़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एम्पल सोर्स ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद गुड फैसिलिटीज ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वुड जनरेट इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज इट इज अचुएशन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री द एक्सपेंशन ऑफ द अदर अकॉर्डिंगली ग्रोथ बिकम अ फोर्थ और फोर्थ में क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसेज साइज ऑफ मार्केट अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या एनहेंस कर रहा है हमारा मार्केट का साइज एनहेंस कर रहा है अब कैसे वीनो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली वेन साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज हम जानते हैं कि अगर हमने लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट का साइज है वो बड़ा हो इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस साइज ऑफ द मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या किसको इनहेंस करता है तो साइज होता है मार्केट का उसको इट वॉज व्यू टू एक्सपेंडिंग साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स इन इंडिया दैट अ नेटवर्क और रेलवे वॉज डेवलप अंडर द ब्रिटिश राज अब हम कह सकते हैं कि जो मार्केट का साइज है ब्रिटिश पीरियड में ठीक है और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से बढ़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था वहां पे रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दी थी और उसको बहुत तेजी से डेवलप किया गया था ब्रिटिश अंपायर टाइम में फिफ्थ आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनहसेज एबिलिटी टू वर्क हेयर वी आर रेफरिंग टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसको बोला जाता है ठीक है इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन अब इसमें एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं दीज इंस्टीट्यूशन प्रमोट एजुकेशन अब ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं एजुकेशन को प्रमोट करते हैं स्किल फॉर्मेशन एंड हेल्थ केयर स्किल फॉर्मेशन को प्रमोट करते, करते हैं और हेल्थ केयर को भी प्रमोट करते हैंस दबिलिटी टू वर्क अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये क्या करते हैं जो हमारी एबिलिटी होती है काम करने की उसको एनहेंस करते हैं एम्प्लाइंग राइज इन एफिशियंसी एंड देर फोर और राइज इन प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है अकॉर्डिंगली ग्रोथ प्रोसेस इज एक्सिलेटेड और इस वजह से क्या होता है जो ग्रोथ प्रोसेस होता है हमारा वो एक्सेलरेट करता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग अब इससे क्या है कंट्री हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जेज एज अ डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग अब जो कंट्री है अब जिसके पास उसका गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे क्या होगा जो बाहरी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो उसकी डेस्टिनेशन बनती जाएगी इंडिया इज इमर्जिंग टू बी ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर ऑल सॉरी कॉल सेंटर्स अब इंडिया क्या है एक तरीके से ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर कॉल सेंटर्स बनता जा रहा है स्टडी सेंटर्स एंड मेडिकल टूरिज्म के लिए फेमस होता जा रहा है इट इज़ व लार्जली टू इट्स साउंड सिस्टम ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस ये किस वजह से हुआ केवल जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उसको देखते हुए ये जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा है उसको देखते हुए ये भी पॉसिबल होने लगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अब आपका काम है ये जो पॉइंट्स हमने देखे इसको एक बार रिवाइज करना और जो मैं वर्कशीट दू उसको सॉल्व